If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the first part of pressure in fluids and atmospheric pressure. So, ये आपका पहला part होने वाला है इस chapter का. इससे पहले हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 ग्रेविटेशन तक हो मतलब कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो आप लोग उसको बच्चों चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. साथ ही साथ बच्चों ओसवाल का बुक्स को ख़रीदने के लिए आप लोगों को ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है ये बुक्स को फॉलो करके. बहुत अच्छा बुक है, क्वेश्चन बैंक है ये फिजिक्स का. सिमिलरली क्लास 9th का आपका केमिस्ट्री का भी आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, ओसवाल का, बायो का, हर एक सब्जेक्ट का आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है अगर आप लोग ये बुक को परचेस करोगे. इसका लिंक भी बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. साथ ही साथ आपको एक और लिंक मिलेगा केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स का, जिसमें क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है. अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स लाइक कंप्लीट हो चुके हैं, बट डोंट वरी, अगर अभी तक आप लोग एनरोल नहीं करे हो तो कर सकते हो, क्योंकि आप लोग जैसे ही एनरोल करोगे वहाँ पर आप लोगों को प्रीवियसली लाइक टॉट जितने भी चैप्टर्स हैं वो सबका वीडियोस आपको मिल जाएगा. साथ ही साथ हम लोग इसमें ना इंटरेक्शन करते हैं, लाइक वीकली हम लोग एक दिन क्लास करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर बच्चे इंटरेक्ट करते हैं हम लोग एक दूसरे का लाइक, और जो भी डाउट्स होता है बच्चों का वो लोग डायरेक्टली मुझसे वहाँ पर क्लियर करते हैं. तो अभी तक अगर नहीं एनरोल कर रहे हो बच्चों तो आप लोग थ्रू द लिंक एनरोल कर सकते हो. साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोगों को केमिस्ट्री मास्टरी से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा लाइक वो कोर्स से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको क्वेरीज होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी सारी क्वेरीज दूर हो जाएगी. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो चैप्टर है इसमें आप लोग प्रेशर के बारे में पढ़ोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ोगे. और जैसे कि आप लोग ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा प्रेशर होता क्या है, आप लोग लाइक इससे पहले जूनियर क्लासेस में कवर करे होगे चीज़ों को, है कि नहीं. रिलेटेड टू वही सब चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा एंड आपके कोर्स के हिसाब से मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ. सबसे पहले देखो आपको पता है प्रेशर क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ को मैं से ऐसे वैसे अप्लाई कर रही हूँ लाइक ये एरिया में मैं से फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, दैट मीन्स प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, है कि नहीं. ये प्रेशर हो गया बच्चों. सो प्रेशर इज़ बेसिकली हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हाट पर यूनिट एरिया, मतलब एक एरिया में पर यूनिट एरिया, मतलब एक एरिया है, गिवन एरिया है उसमें फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है. जैसे कि सपोज एक सरफेस में फोर्स आप लोग कोई भी डायरेक्शन से दे रहे हो, एक सरफेस के ऊपर में फोर्स दे रही हूँ कोई भी डायरेक्शन से, हम लोग उसको बोलते हैं बच्चों क्या, हम लोग उसको बोलते हैं बेसिकली प्रेशर. यहाँ पर आप लोग एक वर्ड नया देख रहे हो थ्रस्ट करके, थ्रस्ट इज़ नथिंग बट वॉट, थ्रस्ट इज़ नथिंग बट फोर्स, ठीक है. थ्रस्ट कुछ नहीं है, फोर्स को ही हम बोलते हैं, ठीक है. हम लोग जो फोर्स देते हैं ना उसी को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं. लेकिन अगर आप लोग फोर्स एक सरफेस में नॉर्मली ऐसे नॉर्मली मतलब पूरा सीधा अगर आप लोग एक सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहे हो उस समय फोर्स को हम थ्रस्ट बुलाते हैं, ठीक है. परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर आप लोग फोर्स लगा रहे हो, जैसे कि ये सरफेस है मैं परपेंडिकुलर मतलब पूरा सीधा डायरेक्शन में इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रही हूँ तो हम लोग इस फोर्स को बोलेंगे थ्रस्ट, जो कि बॉडी का वेट से पूरा इक्वल होता है, जो कि बॉडी का वेट से पूरा इक्वल होता है. जैसे कि सपोज मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूंगी, सपोज मैं ये रख रही हूँ, ठीक है. अब मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रख दी, ठीक है. ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर नीचे में रख दी तो ये ऑब्जेक्ट पूरा परपेंडिकुलरली यहाँ पर नीचे डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस सरफेस के ऊपर में परपेंडिकुलरली ये फोर्स अप्लाई कर रहा है तो हम लोग इसका फोर्स को थ्रस्ट बोलेंगे. हम लोग इसके फोर्स को क्या बोलेंगे, हम लोग इसके फोर्स को बच्चों थ्रस्ट बोलेंगे, ठीक है. सो थ्रस्ट इज़ वॉट, नथिंग बट द फोर्स एक्जर्टेड ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलरली, मतलब द फोर्स एक्जर्टेड नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन अ बॉडी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी. और ये एक तो वैक्टर क्वान्टिटी होता है, जैसे कि फोर्स एक वैक्टर क्वान्टिटी है, डेफिनेटली फोर्स और थ्रस्ट तो देखोगे तो सेम ही है, तो ये एक वैक्टर क्वान्टिटी होता है. क्वेश्चन आ जाता है कि थ्रस्ट स्केलर क्वान्टिटी है कि वैक्टर क्वान्टिटी है, तो ये एक तो वैक्टर क्वान्टिटी होता है. तो याद रखना थ्रस्ट एक्जर्टेड बाय अ बॉडी ऑन अ सर्फेस इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, एक ऑब्जेक्ट कितना थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है एक बॉडी में, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, उसके पास जितना वेट होगा वो उतना ही थ्रस्ट अप्लाई करेगा, वो उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, डेफिनेटली सिंपल सी चीज है. अच्छा अगर मैं बात करूंगी यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट आपको पता है ना न्यूटन डाइन, वैसे ही थ्रस्ट भी तो फोर्स ही है तो इसका यूनिट भी सेम होगा न्यूटन डाइन, ठीक है. न्यूटन डाइन इसका यूनिट होगा. एसआई यूनिट का बात करेंगे तो न्यूटन, और सीजीएस यूनिट का बात करेंगे तो डाइन, सीजीएस यूनिट का बात करेंगे तो डाइन. अब हम लोगों को पता है 1 न्यूटन कितना डाइन होता है,
10 टू द पावर 5 10, तो ये रिलेशन भी याद रखना। अगर मैं ग्रेविटेशनल यूनिट थ्रस्ट का बात करूँगी कि इसका ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है, तो एमकेएस में बच्चों केजीएफ जैसे कि फोर्स का होता है, वेट का होता है, और सीजीएस में जीएफ। सीजीएस में क्या होता है, इसका जीएफ होता है। अच्छा, 1 केजीएफ होता है 9.8 न्यूटन और 1 जीएफ 989। तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़े हो, ठीक है, आप लोग पढ़े हो ग्रेविटेशन में, शायद पढ़ाई थी आपको ये सब चीज़ें। वहाँ पर आप मास वेट का डिफरेंस, मतलब मास वेट से रिलेटेड चीज़ें पढ़े थे और ये सब भी पढ़े थे, तो थोड़ा सा वहीं से आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, सब सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अब प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, फोर्स बाय एरिया, है ना। यहाँ पर थ्रस्ट बाय एरिया, अगर फोर्स एक बॉडी के ऊपर में नॉर्मली लग रहा है, हम लोग उसको थ्रस्ट बोलेंगे। सपोज एक बॉडी है जिसके ऊपर में नॉर्मली फोर्स लग रहा है, तो हम लोग वहाँ पर प्रेशर लिख सकते हैं थ्रस्ट बाय एरिया। थ्रस्ट इज नथिंग बट फोर्स। फॉर्मूला पी इज इक्वल टू एफ बाय ए। थ्रस्ट को आप लोग फोर्स के लिए एफ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि थ्रस्ट को आपको टी लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर यहाँ से मैं फोर्स का अगर मैं क्या बोलते हैं फॉर्मूला निकालूँ, तो एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। तो इसको याद रखना थोड़ा, ठीक है। ओके, अभी थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं। ओके, सो पी इज इक्वल टू एफ बाय ए, ठीक है। अब आप लोग याद रखना ये फोर्स और आपका एरिया और प्रेशर में क्या रिलेशन है। देखो बच्चों, यहाँ पर प्रेशर और एरिया का बात मैं कर रही हूँ। आप लोगों को फॉर्मूला में दिख जा रहा है कि प्रेशर यहाँ पर है, एरिया नीचे में है डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स ऐसे अगर रिलेशन है ना, तो दैट मीन्स दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इन्वर्सली उल्टा रिलेशन। अगर एक ऑब्जेक्ट का एरिया बहुत ज़्यादा है, देखो ये ऑब्जेक्ट का नीचे का एरिया कितना ज़्यादा है, दैट मीन्स अगर एरिया ज़्यादा है तो फोर्स प्रेशर कम लगेगा, सॉरी प्रेशर कम लगेगा। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, लेकिन अगर एरिया काफ़ी कम है तो बच्चों प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। आप लोग एग्जाम्पल ही देख लो, ये नीब को देख लो, कितना पतला सा इसका एरिया है, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, तभी हम लोग आराम से लिख पा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग एग्जाम्पल एक और ले लो, आप लोग जो स्कूल का बैग टंगाते हो, उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं, ठीक है, कंधा में आपके, देखना अब आप लोग माइंड करना, जितना चौड़ा स्ट्रैप होगा आपके बैग का उतना आपको हल्का लगेगा कंधा में, और वहाँ जितना पतला अगर आप लोगों का बैग का स्ट्रैप होगा आपका उतना प्रेशर पड़ता है कंधा में। तो एरिया अगर बढ़ा देते हैं हम तो प्रेशर वहाँ पर कम हो जाता है। अगर चौड़ा ब्रॉड ब्रॉड पट्टा है आपका बैग का, ठीक है, तो वहाँ पर मतलब एरिया है ज़्यादा, दैट मीन्स प्रेशर आपको कम लगेगा कंधे में। लेकिन अगर पतले पतले पट्टे वाले आप लोग बैग यूज़ कर रहे हो, दैट मीन्स वहाँ एरिया कम है तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आपके शोल्डर में लगेगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ये सब मैं बस एग्जांपल देके बता रही हूँ आपको। तो रिलेशन याद रखना प्रेशर एंड एरिया के बीच का क्या होता है। अगर प्रेशर एंड फोर्स का बात करूँ तो डायरेक्ट रिलेशन है, फॉर्मूला में ये देख लो दोनों सामने सामने में, फोर्स ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, फोर्स कम तो प्रेशर कम, ठीक है, दोनों का रिलेशन ऐसा है। ओके, अगर अभी बात करेंगे कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो बच्चों प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये वन मार्क क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये वन मार्क क्वेश्चन आ जाता है। प्रेशर इज़ अ डैश क्वांटिटी, तो हम लोगों को वहाँ पर बताना है कि ये स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है। तो प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट होता है बच्चों पास्कल। पास्कल इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। था एक तो पास्कल बाबा, ब्लेज पास्कल, उसने दिया था, ठीक है। ओके, अभी अलग तरीके से भी यहाँ पर हम लोग यूनिट बना सकते हैं, कैसे। अब जैसे कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, इसी को हम पास्कल बोल सकते हैं। तो वन पास्कल यही होता है, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। डिफाइन कैसे करेंगे, देखो डेफिनेशन आता है एग्जाम में, वन पास्कल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो पास्कल इज सेट टू बी वन पास्कल, सॉरी प्रेशर इज सेट टू बी वन पास्कल। प्रेशर को हम वन पास्कल कब बोलेंगे, जब एक ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया है वन मीटर स्क्वायर और उसके ऊपर वन न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर वन मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर में एक न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वहाँ पर जो प्रेशर हम लोग जो बिल्डअप हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वन पास्कल। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, वन पास्कल। आता है डेफिनेशन। सी जी एस यूनिट ऑफ पास्कल, जैसे आप लोग यहाँ पर ऐसा यूनिट बनाए हो, न्यूटन की जगह पे डाइन कर दो और मीटर की जगह, मीटर स्क्वायर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, ठीक है। ओके, कुछ अदर यूनिट्स है ये प्रेशर का, वो भी देख लो, जैसे कि बार होता है, मिली बार होता है, टॉर होता है, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटीएम करके बोलते हैं, आगे पढ़ोगे। सो ये रिलेशन थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग, ठीक है, मैं बता नहीं रही हूँ, बस याद रख लेना, क्या पता न्यूमेरिकल्स में आपको काम आ जाए, पर याद ज़रूर से रख लेना। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड प्रेशर एंड लिक्विड प्रेशर। देखो प्रेशर तो हर एक ऑब्जेक्ट मारता है,
सॉलिड और लिक्विड के प्रेशर में क्या डिफरेंस है? अब कोई भी सॉलिड हम लोग रख दिए, कोई बॉल रख दो, कोई बैग रख दो, कोई कॉपी किताब रख दो, आप कुछ भी रख दो, तो अगर एक सॉलिड का बात हो रहा है तो वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर मारेगा ड्यू टू इट्स वेट, क्योंकि आप लोग पढ़े हो, ठीक है, इसका वजन नीचे डायरेक्शन में काम कर रहा है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर मारेगा। लेकिन लिक्विड हर डायरेक्शन में प्रेशर मारता है, हर डायरेक्शन में, जैसे कि लिक्विड है यहाँ पर, जो लिक्विड है बच्चों वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी मार रहा है प्रेशर, जो बॉयंसी आप लोगों को पता होगा, ठीक है, अपवर्ड फोर्स बोलते हैं उसको, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मारेगा, साइड में ही मारता है अपने कंटेनर में, मतलब साइडवेज, या फिर लेटरल प्रेशर आप लोग उसको बोल सकते हो, लेटरल प्रेशर, ठीक है। तो लिक्विड में याद रखना है, वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से डायरेक्शन में प्रेशर मारता है, तो ऑल डायरेक्शन, और सॉलिड सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इट्स वेट, क्लियर। नाउ प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, ये आपके कोर्स में है। सो लिक्विड कॉलम, जैसे कि आप लोगों के पास एक लिक्विड है, आप लोग उसको कंटेनर में ले रखे हो, तो ये हो गया लिक्विड कॉलम। देखो ये कंटेनर में इतना जगह ले रहा है, तो ये इसका हाइट हो गया, ये लिक्विड कॉलम का हाइट हो गया, जिसको हम एच लिखे हैं, तो हम लोग इसको लिक्विड कॉलम बोलते हैं। तो ये कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक है। तभी हम लोग एक ठो वेजल ले लिए हैं, जिसका ये बेस एरिया है ए, ठीक है, ये बेस का एरिया कितना है इसका, कैपिटल ए है। इसमें हम लोग एक ठो लिक्विड यूज़ किए हैं, डाले हैं, जिसका डेंसिटी आप लोग रो ले लो, रो मतलब ये जो मैं ऐसे बनाई हूँ ना, ये रो का सिंबल है, जिसको हम पिको, मतलब डेंसिटी का सिंबल है, आर एच ओ रो बोलते हैं, पिको भी बोल सकते हो, रो बोलना सही रहेगा। जो भी लिक्विड लिए हैं उसका डेंसिटी रो है, उस लिक्विड का मास एम ले लो, ठीक है, और ये एच हो गया इसका व्हाट, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। अभी हम लोगों को पता है प्रेशर, क्योंकि प्रेशर तो ऑब्वियसली मारता होगा, प्रेशर का फॉर्मूला एफ बाय ए, प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाय ए, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाय ए। अच्छा, प्रेशर के फोर्स की जगह में, एफ के जगह में मैं वेट भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो थ्रस्ट का बात कर रहा है, दैट इज़ ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी, है ना, वेट ऑफ दिस लिक्विड, तो फोर्स की जगह में मैं वेट लिख ली, वेट बाय ए, क्लियर। नाउ वेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एम इंटू जी, एम जी होता है ना वेट का फॉर्मूला, तो वेट की जगह में लिख लो एम जी बाय ए, मतलब एम जी और नीचे में हो गया ये ए, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला अभी तक मिला है, पी इज इक्वल टू एम जी बाय ए। नाउ अब ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं कि एक लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर मारता है। अब आप लोग, जैसे कि ये आप लोगों के पास अभी ये फॉर्मूला, इसको छुपा देती हूँ मैं। अब आप लोगों को डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, मास बाय वॉल्यूम, यहाँ से मास को अलग कर लो तो आएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब यहाँ पर जो मास है उसकी जगह में वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डाल लो, तो देखो मैं मास की जगह में डाल ली वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये जी यहाँ पर है और नीचे में ए है, क्लियर। अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लेते हैं हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लेते हैं ना, हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला ये लेते हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लियो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और ये रो है, ये जी है, नीचे में ए है। अच्छा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ को हम एरिया भी लिखते हैं ना, अगर मैं रेक्टेंगल का बात करूँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ को हम एरिया भी लिखते हैं, तो एल इंटू बी की जगह में आ गया ए इंटू एच इंटू रो इंटू जी बाय ए, ए ए कट गया, ये मिला हम लोग को एच रो जी, सो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। तो दिस इज द प्रेशर, यहाँ पर जो पी है दैट इज एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम इतना प्रेशर मारता है। एच क्या है, डेप्थ ऑफ लिक्विड कॉलम, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये लिक्विड हम लिए थे जिसका हाइट था एच, हाइट लिक्विड कॉलम का, तो वो एच रो जी इतना प्रेशर मारता है। तो क्वेश्चन आता है हाउ मच प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, सो एच रो जी। अच्छा, अगर आप लोग खुला लिक्विड लिए हो, ठीक है, मतलब लिक्विड के ऊपर फ्री सरफेस है, ठीक है, बंद नहीं है कंटेनर, तो बच्चों ऊपर से हवा भी तो प्रेशर मारता है ना, तो ऊपर से हवा भी तो प्रेशर मारेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो यहाँ पर बिल्डअप होगा। लिक्विड आप लोग ले लियो, हम लोगों को पता है कि ये लिक्विड का हाइट जो है ये एच, ये हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम जो एच है, ये प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहा है, एच रो जी। अब ऊपर से लिक्विड तो क्लोज नहीं है, तो ऊपर से हवा भी तो उसमें प्रेशर मार रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो अगर ऐसा कंडीशन है, टोटल प्रेशर हमको निकालना है लिक्विड का, तो उसको कैसे निकालेंगे, एच रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि टोटल यहाँ कितना प्रेशर हो रहा है। सो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट, पी नॉट यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिया है, प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड दैट इज एच रो जी। तो ये हो जाएगा पी व्हाट, पी टोटल। दैट मीन्स अगर आपके पास एक लिक्विड कॉलम है जो कि ऊपर से ओपन है, तो वहाँ पर हवा भी प्रेशर मार रहा है, लिक्विड कॉलम का भी प्रेशर है, टोटल प्रेशर हो जाएगा इतना। ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब लिक्विड ऊपर से ओपन है, एनक्लोज नहीं है। लेकिन अगर आपका कंटेनर ऊपर से बंद है, पूरा क्लोज्ड है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मार ही नहीं पाएगा हवा प्रेशर, तो वहाँ पर पी टोटल हो जाएगा एच रो जी, है ना। अगर ऊपर में पूरा बंद रहेगा तो हवा का प्रेशर कहाँ से काम आएगा, नहीं आएगा। ओके,
Next. Now, some factors affecting the pressure at a point in a liquid. ठीक है, अब जैसे कि आप लिक्विड का कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड. सो तीन फैक्टर होता है जिस पर ये प्रेशर डिपेंड करता है. हम लोग जो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम पढ़े, फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग P इज इक्वल टू एच रो जी. तो आप लोगों को फॉर्मूला में जो जो चीज़ें दिख रहा है उसी पे प्रेशर डिपेंड करता है. सो प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, अगर लिक्विड के अंदर का कोई भी एक पॉइंट आप कंसिडर कर लो, वहाँ पर जो प्रेशर है वो तीन चीज़ में डिपेंड करता है. डेप्थ ऑफ द व्हाट लिक्विड बिलो द पॉइंट, ऐसे जैसे मैं यहाँ पर इसको कंसिडर की ये पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रेशर में मतलब मुझे यहाँ पर पता करना है कि व्हाट इज़ द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड. लिक्विड पूरा है लेकिन मैं लिक्विड के अंदर में कहीं पर एक पॉइंट में पता कर रही हूँ कि यहाँ पर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर है. तो वो डिपेंड करेगा हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम में, डिपेंड करेगा डेंसिटी में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में. सो प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स. हाइट, दैट इज डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द फ्री सर्फेस. फ्री सर्फेस के नीचे में जो भी इसका जगह बसता है उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, इसका हाइट. डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बट ये किस में डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड नहीं करता है शेप एंड साइज ऑफ द वेजल में, कि आपका जो कंटेनर है उसका क्या शेप है क्या साइज, उसमें डिपेंड नहीं करता. एरिया ऑफ सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स, ठीक है, वो जो भी सरफेस का एरिया है कौन सा एरिया है, मतलब कितना एरिया ज़्यादा है कम है, उस पर ये डिपेंड नहीं करता. फॉर्मूला में तीन चीज़ था एच रो जी, तो तीनों पर ये डिपेंड करेगा. नाउ सम लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर, ये लिक्विड जो प्रेशर मारता है एच रो जी, देखो इनका हम लोग ना इनसे रिलेटेड कुछ लॉ पढ़ेंगे, ठीक है. सो कुछ फाइव लॉज होते हैं लिक्विड प्रेशर के. पहला, अगर हम लोग एक कंटेनर में लिक्विड को लेते हैं तो वो लिक्विड जो है बच्चों वो कंटेनर के वॉल में मतलब साइड साइड वो प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल प्रेशर. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल प्रेशर, ठीक है, साइडवेज वो प्रेशर मारता है, लेटरल प्रेशर हम लोग उसको बोलते हैं. सो लिक्विड एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, मतलब ये चीज़ होगा ही होगा, जो लिक्विड्स होते हैं वो लोग ना अपने कंटेनर के वॉल में वो लोग साइड साइड ऐसे प्रेशर मारते हैं, ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट है बताऊंगी आपको. देन दूसरा लॉ, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा लिक्विड का प्रेशर बढ़ेगा, मतलब आप लोग जितनी गहराई में जाओगे लिक्विड में उतना प्रेशर बेसिकली आप लोग फील करोगे. डेप्थ जैसे जैसे बढ़ता है लिक्विड उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करता है. तो अगर मैं यहाँ पर दो पॉइंट कंसिडर करूँ, सपोज एक यहाँ से इतना लिक्विड कॉलम का हाइट, इतना एच वन, मतलब एक आदमी सपोज यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा आदमी सपोज यहाँ पर है नीचे तरफ एकदम नीचे में, तो इसका हाइट हो गया इतना एच वन, और इस आदमी का अगर मैं ऊपर से हाइट देखूँगी तो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये आदमी का ऊपर का फ्री सरफेस से हाइट. तो हाइट जितना ज़्यादा होगा, जितना जितना गहराई में हम लोग अंदर जाएंगे, जितना डेप्थ बढ़ेगा, बोलने का मतलब है मैं हाइट बोल रही हूँ, उतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर. सो उतना ज़्यादा प्रेशर मतलब लिक्विड प्रेशर इंक्रीज होता है. ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पर दोनों केसेस में प्रेशर को मेज़र करेंगे, सो पी टू विल बी ग्रेटर देन पी वन. पी टू मतलब ये सेकेंड केस का बात कर रहा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज़ मोर, तो इस कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वॉट एच वन. सो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है लिक्विड कॉलम का, प्रेशर उतना ज़्यादा ही बढ़ता है लिक्विड का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. नेक्स्ट, विद द इंक्रीज इन डेंसिटी लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस. जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ता है लिक्विड का प्रेशर वैसे वैसे बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ेगा. अब जैसे कि यहाँ पर वाटर और ऑयल लिए हैं दो कंटेनर में, और दोनों का सेम हाइट है, ठीक है, मतलब दोनों का लिक्विड कॉलम अगर आप देखोगे, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम दोनों का सेम है एच एच. दोनों केस में लिक्विड डिफरेंट, एक है वाटर एक है ऑयल. दोनों केस में अगर प्रेशर माप रहे हैं मेजर कर रहे हैं, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा प्रेशर उसमें ज़्यादा आएगा. सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू ऑयल, सो प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर विल बी मोर एज़ कम्पेयर टू ऑयल. जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड. लिक्विड के अंदर में एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात करूँगी, तो बोल रहा है इट एग्जर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन.
ये हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करेगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड. मतलब यहाँ पर अपवर्ड प्रेशर जितना होगा डाउनवर्ड उतना होगा, लेटरल प्रेशर उतना होगा. इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द लिक्विड इज एट रेस्ट. लिक्विड जब रेस्ट में होगा तभी पॉसिबल है, तभी तो इक्वल प्रेशर मार पाएगा ना. वरना अगर लिक्विड मूव कर रहा है तो भाई प्रेशर कहीं ज़्यादा कहीं कम होगा. लास्ट वाला जो लॉ है वो बोलता है कि लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल. लिक्विड अपना लेवल खोज ही लेता है. यहाँ पर देखो ये आपका अपैरेटस सामने में दिख रहा है, सबका कॉमन बेस है. यहाँ पर लिक्विड सब में फिल किया गया है. सबका देखोगे तो बोलूँ एक ही हाइट ऑफ, मतलब एक ही हाइट में बोलूँ प्रेजेंट है. हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम सब जगह सेम है, सबका लेवल सेम है. लेवल इन द सेंस हाइट का बात तो छोड़ो, लेवल मतलब ये अपना लेवल ऐसे खोज लेता है एकदम सीधा सीधा. ऐसे लिक्विड अपना लेवल खोज लेता है, मतलब उसका ऐसे ही आता है लिक्विड का लेवल. ठीक है, अभी थोड़ा पास्कल्स लॉ देख लेते हैं. ठीक है, पास्कल्स लॉ क्या है बच्चों देखो, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस देख लेंगे लिक्विड प्रेशर का. सो पास्कल्स लॉ आप लोग पहले भी पढ़े होंगे. वो पास्कल्स लॉ में हम लोग लिक्विड में प्रेशर कैसे ट्रांसमिट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. बहुत सिंपल सा है. अब देखो पास्कल्स लॉ है क्या. ये जो पास्कल्स लॉ है इसको नॉर्मली हम लोग लॉ को देखो लॉ की तरह ही पढ़ेंगे. बहुत ही सिंपल सा ये एक लॉ है. इसके हिसाब से अगर हम लोग एक लिक्विड को एक एनक्लोज कंटेनर में ले रहे हैं, ठीक है, मतलब एक कन्फाइंड कंटेनर हमारे पास है. इट सेज दैट प्रेशर एग्जर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड और क्लोज लिक्विड. मतलब आपके पास एक कन्फाइंड लिक्विड है, लिक्विड का चारों तरफ से कवर्ड है लिक्विड, मतलब बंद है. जो भी आप कंटेनर लियो पर बंद है वो. ठीक है, सो प्रेशर एग्जर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड और क्लोज लिक्विड. अगर ऐसे कन्फाइंड लिक्विड आप लोग लियो हर जगह से बंद है और आप लोग अगर कहीं पर भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आप लोग जितना प्रेशर उस लिक्विड पर कोई भी पॉइंट में एग्जर्ट करोगे वो हर डायरेक्शन में हर एक पॉइंट में वो इक्वली वो ट्रांसमिट होगा. प्रेशर आप लोग अगर यहाँ पर सपोज 40 पास्कल का प्रेशर यहाँ पर एग्जर्ट कर रहे हो तो हर डायरेक्शन में 40 पास्कल का प्रेशर, मतलब वो जो प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट होगा थ्रू द लिक्विड. बोलने का मतलब ये है, ठीक है, प्रेशर एग्जर्टेड एनीवेयर इन अ क्लोज और कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली और अनडिमिनिश्ड. अनडिमिनिश्ड मतलब वो कम नहीं होगा प्रेशर. ऐसा नहीं कि यहाँ ज़्यादा लग गया इधर कम लग गया यहाँ पहुँचते नहीं, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा. ठीक है, यहाँ पर एक यहीं से मैं बता देती हूँ ना, ये मैं अगर बनाई हूँ तो यही बता देती हूँ. अब सपोज़ इस कंटेनर में बेसिकली आप लोग एक लिक्विड ले रखे हो, ऊपर में यहाँ पर एक पिस्टन से आप लोग नीचे की तरफ डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाओगे, मतलब प्रेशर दे रहे हो. आप लोग जब यहाँ पर इसको नीचे की तरफ खींचोगे तो पता है क्या होगा, इक्वल हर जगह में सपोज इधर इधर में आप लोग इस टाइप कैसे ओपनिंग रख रखे हो तो आप लोग देखोगे कि हर जगह से जितना भी ओपनिंग है हर जगह से इक्वल प्रेशर के साथ पानी बाहर की तरफ निकलेगा. इक्वल प्रेशर के साथ पानी जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा. तो यहाँ पर पास्कल्स लॉ को ये प्रूव करता है कि कन्फाइंड लिक्विड में अगर हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं कहीं पर भी तो वो प्रेशर हर जगह अनडिमिनिश्ड वो ट्रांसमिट हो रहा है. ओके, नाउ कुछ न्यूमेरिकल्स है यहाँ पर, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. एकदम सिंपल है. लाइक पहला है कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट 100 मीटर. टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड रो यहाँ पर डेंसिटी दे दिया है इतना. ठीक है, हम लोगों को प्रेशर निकालने बोल रहा है ड्यू टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट इतना. ठीक है, क्या दिया है पहले गिवन हाइट दे दिया है हम लोगों को 100 मीटर. जी हम लोगों को दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रो कितना दिया है 10^3 मतलब 1000 केजी पर मीटर क्यूब. हम लोगों को बोल रहा है प्रेशर निकालो, तो प्रेशर निकालने का फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू एच रो जी. बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करो. देखो मैं फट से वैल्यू पुट कर दी हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जितना भी आप लोगों को वैल्यू यहाँ पर दे दिया है हिंट्स उनका आप सबका ना यूनिट देखना, सब SI यूनिट में होने चाहिए या फिर सब CGS में होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए. यहाँ पर सब SI यूनिट में, तो कोई टेंशन नहीं है. तो आप लोग हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 10^6 पास्कल लिख दो. प्रेशर आ गया इतना. ये क्वेश्चन है शायद बुक में, बुक से ही तो दी हूँ मैं. ठीक है, यही है. नेक्स्ट, अ हैमर एग्जर्ट्स अ फोर्स 1.5 न्यूटन ऑन ईच ऑफ टू नेल्स ए एंड बी. दो नेल है ए एंड बी. ठीक है,
A hammer exerts a force of 1.5 newton on each of the two nails. दोनों nails में force कितना लग रहा है? अब मैं यहाँ पर graph work कर लेते हैं. 1.5 newton का force यहाँ भी लग रहा है. 1.5 newton का force यहाँ भी लग रहा है. Area of cross section of tip of nail A is 2 millimeter square और B का है 6 millimeter square. इसका area of cross section दे दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, इसमें दे दिया है 6 मिलीमीटर स्क्वायर. बोल रहा है प्रेशर ऑफ ईच नेल निकालो इन पास्कल. ठीक है, प्रेशर निकालना है तो पहले हम लोग ए नेल का देख लेते हैं. ए नेल में फोर्स कितना लग रहा है? 1.5 न्यूटन. ठीक है, एरिया कितना दिया है? 2 मिलीमीटर स्क्वायर. तो बच्चों आपको पता है न्यूटन ऐसा यूनिट में, मिलीमीटर तो ऐसा यूनिट में है नहीं, हम लोगों को इसको मीटर में करना पड़ेगा, है ना. सो क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों क्या है यहाँ पर? A hammer exerts a force 1.5 newton on each of the two nails A and B. ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो. एक हैमर है जो कि दो नेल के ऊपर में फोर्स मार रहा है 1.5 newton ईच, मतलब दो नेल है A और B नाम दे दिए उसको हम लोग, और उस दोनों नेल के ऊपर में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं. अब द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टिप ऑफ द नेल ए इज 2 millimeter square while that of B 6 millimeter square. बोल रहा है कि ये जो आपका नेल है उसका जो टिप है, यहाँ पर बोल रहा है कि उसका जो हेड है उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो दे दिया है, मतलब ए का केस में दे दिया है 2 millimeter square, और जो सेकेंड नेल है बी नेल है उसका एरिया दे दिया है बच्चों 6 millimeter square. बोल रहा है कैलकुलेट करो प्रेशर ऑफ ईच नेल इन पास्कल, दोनों में क्या क्या प्रेशर एग्जर्ट हुआ है पास्कल में आप लोग उसको कैलकुलेट करो. तो ठीक है, कर लेते हैं. अब सबसे पहले आप लोगों को जो जो डाटा गिवन है, इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको आप लोगों को नोट डाउन करना पड़ेगा. पहला नेल ए के लिए हम लोग क्या लिखे हैं? फोर्स है, क्योंकि प्रेशर निकालने बोल रहा है और जो जो दिया है उसको पहले लिखना पड़ेगा. तो पहला नेल ए के लिए फोर्स कितना है? 1.5 न्यूटन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? एरिया कितना दिया है? 2 millimeter square. ठीक है, अब बाद में बी का करेंगे. अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों यहाँ पर, ये आप लोगों को मैं बताई हूँ कि जो जब भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यूनिट्स हमेशा सेम होना चाहिए. मतलब यहाँ पर जो यूनिट्स है, अगर दो यूनिट दिया है दोनों SI में होना चाहिए या फिर दोनों CGS में होना चाहिए. मतलब यूनिट्स आपका सेम होना चाहिए. सेम इन द सेंस किस टाइप का? या तो SI यूनिट होना चाहिए सब, या फिर CGS यूनिट होना चाहिए सब. तो यहाँ पर फोर्स न्यूटन में ये SI यूनिट दिया है. एरिया मिलीमीटर स्क्वायर, हम लोग को पता है मिलीमीटर स्क्वायर इज़ नॉट द SI यूनिट ऑफ एरिया. एरिया का ऐसा यूनिट होता है बच्चों मीटर स्क्वायर. तो हम लोग क्या करेंगे, ये मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर मैं एक रफ वर्क यहाँ कर दे रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा. एक मीटर होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर. ठीक है, एक मीटर होता है 100 सेंटीमीटर. अच्छा, मैं यहाँ पर 100 लिखी. एक सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर. तो मैं सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट की, तो एक मिलीमीटर होता है 10 मिलीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर एक मीटर कितना मिलीमीटर हो गया? 10^3 मिलीमीटर, है ना. अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, यहाँ मिलीमीटर दिया है, मिलीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, तो एक मिलीमीटर होता है 1/10^3 meter, मतलब 10^-3 meter या फिर 10^-3 meter. एक मिलीमीटर इतना होता है. यहाँ पर हमको 2 millimeter square दिया, तो हम लोग यहाँ पर उसको यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे, तो एरिया हो जाएगा 2 millimeter square दिया है, तो एक मिलीमीटर होता है इतना, या मिलीमीटर का स्क्वायर दिया है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको दो बार लिखना पड़ेगा, है ना, मिलीमीटर को दो बार लिखना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 2 × 10^-6 meter square. क्लियर, ये इतना होगा. अभी आप लोगों को यहाँ पर प्रेशर निकालना है पास्कल में, तो दोनों का यूनिट हो गया आपका SI यूनिट. तो आप लोगों का SI यूनिट का आपको पता है कि पास्कल ही होता है, तो जो भी आंसर निकलेगा प्रेशर का पास्कल में ही निकलेगा. फोर्स बाय एरिया, फोर्स कितना है? 1.5 न्यूटन. एरिया कितना है? 2 × 10^-6 meter square. 1.5 को आप 15/10 भी लिख सकते हो, तो वो 10 नीचे आ गया. 10^-6, एक बार यूनिट्स को मैं नहीं लिख रही हूँ, नॉर्मली हम लोग यूनिट्स को ना सॉल्व करते समय नहीं लिखते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है. ठीक है, अब 15/2 हो जाता है 7.5. अपना 15 को डिवाइड करना 2 से, आपका निकलेगा 7.5. अच्छा, नीचे में ये 10^ ये कितना हो जाएगा? 10^-5 हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना. आप लोगों को पता होगा वो एक्सपोनेंट्स आप लोग चैप्टर पढ़े हो, ये -5 हो गया. अब इसको आप लोग ऊपर कर लो 7.5, ये माइनस वाला ऊपर जाएगा, तो 10^5 पास्कल. ये हो गया इसका आंसर.
ये पहला नेल का हो गया, इतना प्रेशर उस नेल में एग्जर्ट हुआ है। सिमिलरली हम लोग सेकेंड नेल का भी निकालेंगे। सेकेंड नेल के लिए मतलब फॉर सेकेंड नेल, फॉर बी नेल के लिए फोर्स इज 1.5 न्यूटन। अगेन एरिया कितना दिया है, 6 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है। जस्ट कन्वर्ट दिस मिलीमीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, सो 6 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, तो 6 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। नाउ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स इज 1.5, नीचे एरिया हो जाएगा 10⁻⁶। ठीक है, 1.5 को आप लोग 15/10 भी लिख सकते हो, मैं 10 को यहाँ लिख दी। ये 3 का टेबल से जाएगा, 3 5 जा 3 2 जा, ये 5/2 कितना होता है, 2.5 होता है। 5 को डिवाइड करोगे 2 से, 2.5 ऊपर लिख दिए, नीचे का मैं लिख दी 10⁻⁵। अब इसको ऊपर ले जाओ, 2.5 × 10⁵ पास्कल, तो ये हो गया सेकेंड बी का आंसर, मतलब सेकेंड नेल का आंसर, मतलब दोनों नेल में इतना इतना फोर्स एग्जर्ट हुआ है। इसमें इतना फोर्स 7.5 × 10⁵ पास्कल, और सेकेंड बी जो है, मतलब सेकेंड नेल जो है बी, उसमें 2.5 × 10⁵ पास्कल ऐड हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐड कर देता है दोनों में से कौन सा नेल में ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, तो पहला नेल, ठीक है, पहला नेल में ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। प्रेशर और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रेशर आपका एरिया जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर था, तो इसका प्रेशर आया 7.5 × 10⁵। सेकेंड केस में एरिया ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पर इसके कंपेरिजन प्रेशर कम आया है। ठीक है, ये सॉल्व किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा ध्यान देना, आता है एग्जाम में। अ वेजल कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। एक वेजल है, उसमें 1.5 मीटर तक पानी है। सपोज 1.5 मीटर तक उस वेजल में पानी है, हाइट दे दिया है, गिवन हाइट इज 1.5 मीटर। डेंसिटी ऑफ द वाटर ऑल्सो गिवन, 10⁻³ kg/m³। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स जी इज 9.8 m/s². एरिया ऑफ द वेजल, एरिया कितना दिया है, 100 cm², 1 cm में दे दिया, बाकी सब ऐसा यूनिट में दिया है। तो सेंटीमीटर वाला उसको आप लोग मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आप लोग जब कंपेयर करोगे, है ना, जब आप लोग कंपेयर करोगे तो देखोगे ये भी ऐसा ही यूनिट, ये भी ऐसा यूनिट, ये भी ऐसा यूनिट, ये CGS यूनिट। तो 1 cm होता है 1/100 m, यहाँ पर हो जाएगा 100, और यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 × 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻²। क्लियर, 10⁻²। नाउ हम लोगों को कैलकुलेट करना है प्रेशर, और सेकंड में थ्रस्ट, थ्रस्ट फोर्स ही होता है ना। सबसे पहले प्रेशर, सो प्रेशर पहला बेट, फार्मूला कौन सा यूज़ करोगे आप लोग, प्रेशर का आप लोग फार्मूला पढ़े हो, HρG, फोर्स बाय एरिया भी पढ़े हो, लेकिन यहाँ पर तो फोर्स दिया नहीं है, HρG का सब चीज़ दिया है, तो आप लोग ये HρG वाला यूज़ करोगे। H है आपका 1.5, रो कितना है, मतलब डेंसिटी, रो मतलब डेंसिटी 1000, और ये हो जाएगा 9.8। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देखो, मैं क्या कि 1.5 और 9.8 को इंटू कर दी, मतलब यहाँ का पॉइंट हटा के बाय 10 कर दी, इसका पॉइंट हटा के बाय 10 कर दी, 15 और 98 को इंटू करी तो 1470 आया, इंटू 1000, और नीचे का 10 लिख दी। अब इसको काट दो, ये 1010 कटा, 1010 कटा, तो यहाँ पर आ रहा है 1470, और ये पास्कल में आपका आंसर आ जाएगा। आपका प्रेशर निकल गया, अब हम लोग को थ्रस्ट निकालना है। थ्रस्ट मतलब क्या होता है, फोर्स ही होता है। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, मतलब थ्रस्ट बाय एरिया, पता है ये वाला फार्मूला। यहाँ से थ्रस्ट निकालना है तो प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर कितना आया अभी जस्ट 1470, एरिया कितना आया, दिया कितना है 10⁻², तो आप लोग इसको 1/100 भी लिख सकते हो, 100 इसलिए लिख रहे हो ताकि काटने में आसान होगा, तो 147 न्यूटन, 147 न्यूटन। क्लियर, तो 0 0 कट जाएगा, तो इस टाइप से आंसर आएगा। हो सकता है हड़बड़ी में ना बच्चों, जब सॉल्व करते रहते हैं ना, तो हो सकता है बाई चांस हम लोग कुछ सॉल्व करने में मिस्टेक कर दे, तो आप लोग जब सॉल्व करोगे ना तो ध्यान दे के सॉल्व करना, ठीक है। अगर बाई चांस मेरा भी कहीं पर कुछ आंसर रॉन्ग निकल गया है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ओके। नाउ
हाँ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहला वाला क्वेश्चन तो था ही, बट ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आता है तो ध्यान से सुनना। द प्रेशर ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज 40,000 पास्कल एंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर इज 10,000 पास्कल। मतलब सपोज एक बड़ा सा बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अभी बोल रहा है जो प्रेशर है पानी का, ग्राउंड फ्लोर में प्रेशर है 40,000 पास्कल और फर्स्ट फ्लोर में प्रेशर है पानी का 10,000 पास्कल। फाइंड द हाइट ऑफ फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर का हम लोगों को हाइट मांगा है। फाइंड द हाइट ऑफ फर्स्ट फ्लोर, तो ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर का हाइट को सपोज लेट इट बी एच, लेट एच ही ले लेना, एच ही ले लेते हैं, चलो इसको एच ही ले लेते हैं, वो बेटर होगा, ठीक है। नाउ लेट द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू टॉप, सपोज ग्राउंड फ्लोर तो सपोज ये टॉप है, तो ग्राउंड फ्लोर से टॉप तक का हाइट को इसको एच टू ले लो, मैं देखो बता रही हूँ, ठीक है, इसको H2 ले लो और टॉप से फर्स्ट फ्लोर का हाइट को H1 ले लो, इसको हम लोग H ले लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को तो हाइट निकालना ही है। हम लोग क्या किए हैं, ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर का हाइट को H ले लिए हैं, फर्स्ट फ्लोर से टॉप का हाइट को H1 ले लिए हैं और ग्राउंड से टॉप का हाइट को हम लोग ले लिए हैं क्या H2 ले लिए हैं, क्लियर। उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इसको मैं H2 ले लेती हूँ, देन लेट the height from first floor, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टू टॉप, फर्स्ट फ्लोर से टॉप तक का हाइट को हम लोग एच वन ले ले रहे हैं, एंड लेट द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर बी एच, फर्स्ट फ्लोर का हाइट को हम लोग एच ले लेंगे। हम लोग को फर्स्ट फ्लोर का हाइट निकालना है, ये निकालना है फर्स्ट फ्लोर कितना ऊंचाई में, ठीक है, हम लोग को उसका हाइट निकालना है। अब क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले बोल रहा है ग्राउंड फ्लोर में पानी का प्रेशर कितना है, 40,000 पास्कल। सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर यहाँ पर देखेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन में देखोगे पानी का डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबका वैल्यू दिया है। तो ग्राउंड फ्लोर के लिए प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी है ना, ग्राउंड फ्लोर के लिए प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी। ग्राउंड फ्लोर के लिए हम लोग यहाँ पर हाइट पूरा ले लेंगे ग्राउंड फ्लोर का H2, ठीक है, प्रेशर कितना दिया है 40,000 पास्कल, H2, रो कितना दिया है, डेंसिटी 1, 2, 3, मतलब ये 1000 इंटू जी का वैल्यू दिया है 10, यहाँ से H2 निकालो, ये दोनों नीचे आ जाएगा, है ना, ये चारों जीरो कट जाएगा, चारों जीरो कट जाएगा, तो ये आया 4 मीटर हाइट ग्राउंड फ्लोर का पूरा, मतलब ये पूरा हाइट आया H2 बच्चों 4 मीटर, कितना आया 4 मीटर। अभी फर्स्ट फ्लोर का क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट फ्लोर में प्रेशर है 10,000 पास्कल, तो अभी हम लोग निकालेंगे फर्स्ट फ्लोर के लिए, फर्स्ट फ्लोर के लिए हम लोग अभी यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर के लिए आपका प्रेशर इज इक्वल टू, अब फर्स्ट फ्लोर के लिए हम लोग पूरा हाइट क्या ले रहे हैं ऊपर का H1, क्योंकि पानी जो है, पानी का प्रेशर फर्स्ट फ्लोर में कितना पड़ रहा है, पानी का प्रेशर पड़ रहा है 10,000 पास्कल, ठीक है, तो हम लोग ये H1 वाला हाइट लेंगे पूरा, है ना, लिक्विड कॉलम का हाइट लेंगे हम लोग, तो H1 रो जी, इसके जगह में 10,000, H1 इसके जगह में 1000, इसके जगह में 10, H1 निकालोगे 10,000 डिवाइडेड बाय, ये दोनों को इंटू करोगे भी तो 10,000 आएगा, ये कट गया, ये आया 1 मीटर। अब बच्चों देखो, ये पूरा आया 4 मीटर, ये आया 1 मीटर, तो फर्स्ट फ्लोर का हाइट कितना होगा, 4 में से 1 गया 3 मीटर, है ना। सो नाउ नाउ हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर इज इक्वल टू एच लिए ना, तो यहाँ पर एच लिख देते हैं, हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर एच, यहाँ पर देखो डायग्राम में एच इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन,
H2 minus H1, H2 निकला 4, ये निकला 1, that is 3 meter. So this is our answer. ये बहुत important question है, exam में ये बार बार पूछा जाता है. यहाँ मैं गलती से question repeat कर दी हूँ. ठीक है, इसको ignore मारो. Question repeat हो गया है. Now consequences of liquid pressure. So consequences of liquid pressure में क्या है, मतलब liquid pressure से क्या क्या, उसका क्या application, उससे क्या होता है, है ना. लिक्विड प्रेशर आप लोग पढ़े हो, H2G, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम की वजह से पानी जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लिक्विड प्रेशर. सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिक्विड प्रेशर, तो उसका बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेज है. यहाँ पर हम लोग सर्टन कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, एंड दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से गिव रीजन में क्वेश्चन आता है. तो बच्चों ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है. ठीक है, पहला है, द प्रेशर एट अ सर्टन डेप्थ इन सी वाटर इज मोर देन दैट एट द सेम डेप्थ ऑफ रिवर वाटर. सपोज आपके आप दो वाटर बॉडीज को कंपेयर कर रहे हो, एक है सी वाटर, एक है रिवर वाटर. ठीक है, दोनों का सेम हाइट है, मतलब सेम हाइट डेप्थ में उनको आप लोग कंपेयर कर रहे हो. इसका जितना डेप्थ सपोज आप लोग लियो 80 मीटर, तो इसका भी आप लोग 80 मीटर लियो सपोज. ठीक है, 80 मीटर आप लोग कंपेयर कर रहे हो, क्या देख रहे हो आप लोग कि प्रेशर कहाँ पर कितना है. तो बच्चों प्रेशर ना, जैसे कि आप लोग दो वाटर बॉडी कंपेयर कर रहे हो, एक सी वाटर हो गया, एक रिवर वाटर हो गया, दोनों का इक्वल डेप्थ में प्रेशर कंपेयर करोगे, तो जब आप लोग सी वाटर में प्रेशर नापने जाओगे ना, तो आप लोग देखोगे प्रेशर एट सर्टेन डेप्थ इन सी वाटर इज मोर देन दैट ऑफ रिवर वाटर. रिवर वाटर के कंपेरिजन सी वाटर में का प्रेशर ज़्यादा होता है. क्यों, आप लोग को ये फॉर्मूला से ही आंसर मिल जाएगा. प्रेशर डिपेंड करता है डेंसिटी में, डेंसिटी ऑफ द वाटर में, है ना. अब सी वाटर में डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारे नमक वमक घुले रहते हैं, जिससे उसका डेंसिटी बढ़ जाता है. तो सी वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है, बोल के उसमें प्रेशर ज़्यादा आता है. रिवर वाटर का डेंसिटी कम होता है, बोल के वहाँ पर प्रेशर कम आता है. सिंपल है ना, क्लियर. सेकेंड, वॉल ऑफ द डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम. डैम का जो वॉल होता है उसको ना नीचे तरफ से थोड़ा मोटा बनाते हैं, नीचे तरफ से उसको थोड़ा सा थिक बनाते हैं. क्या बनाते हैं, थिक बनाते हैं. ठीक है, एक मिनट, मैं ना एक काम कर रही हूँ, एक रफ पेपर ले लेती हूँ, बेटर होगा. सो वॉल ऑफ द डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम. सपोज ये डैम है, ये डैम है, तो डैम का वॉल जो है बॉटम में ना, उसका वॉल को थोड़ा थिक बनाते हैं. नीचे नीचे में जो उसका वॉल होता है मोटा रहता है. क्यों मोटा रहता है, देखो अब डैम में कितना सारा पानी कंटेंट होता है बच्चों, कितना पानी इसमें रहता है, बहुत सारा पानी रहता है. आपको पता है जैसे जैसे लिक्विड कॉलम का हाइट बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, है ना. अब नीचे नीचे वाले में अगर आप कंपेयर करोगे तो बॉटम सरफेस ऑफ द डैम में, क्योंकि हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम ज़्यादा है, तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, मोटा नहीं बनेगा, तो प्रेशर टॉलरेट नहीं कर पाएगा, जिससे डैम का दीवार टूट सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ. जैसे जैसे आप गहराई में डेप्थ में जाओगे प्रेशर बढ़ता है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा मोर एंड मोर प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल ऑफ द डैम. इसीलिए थिकर वॉल चाहिए ताकि वो ग्रेट प्रेशर को टॉलरेट या विदस्टैंड कर सके. अगर पतला दीवार रहेगा तो प्रेशर की वजह से दीवार टूट जाएगा, ठीक है, और नुकसान होगा, लाइफ का नुकसान होगा, प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, बहुत सारा नुकसान हो सकता है. क्लियर, बहुत सिंपल है. नाउ वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड हाइट हाई, ऑब्वियसली आप लोगों के घर में भी जो पानी का जो टंकी रहता है उसको हमेशा हाइट में क्यों रखते हैं, छत उत में क्यों रखते हैं. ऐसा तो हो सकता था कि इसको आप लोग किचन के बाजू में ही रख लेते, नहीं. लेकिन जो वाटर सप्लाई टैंक जो होता है वो टैंक हमेशा बच्चों हाइट में रहता है नॉर्मली अगर आप लोग, ठीक है बच्चों. तो नॉर्मली भी जो वाटर सप्लाई टैंक आप लोग अपने एरिया में भी देखे होंगे, वो एकदम हाइट में प्लेस होता है. तो उसको ऊपर ऊंचाई में रखने का क्या रीज़न है, ठीक है, ऊंचाई में हम लोग उसको क्यों रखते हैं. तो उसको रखने का बहुत सारा रीज़न है, जैसे कि अब यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रेटर द हाइट ऑफ द टैंक मोर विल द प्रेशर. डेफिनेटली टैंक का हाइट जितना ऊंचाई में रहेगा, देखो जितना ऊंचाई में लिक्विड कॉलम है, यहाँ पर अगर आप लोगों का वाटर सप्लाई हो रहा है, तो जितना हाइट बढ़ेगा ना बच्चों, जितना ज़्यादा हाइट होगा टैंक का, उतना ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी घर पर आएगा, उतना ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी घर पर आएगा. ठीक है, फॉर अ गुड सप्लाई ऑफ प्रेशर हाइट ऑफ द वाटर टैंक मस्ट ऑलवेज बी अ मीटर हायर देन द लेवल एट विच सप्लाई ऑफ वाटर इज टू बी मेड. मतलब जिस लेवल में पानी का सप्लाई होना चाहिए उस लेवल से हमेशा टंकी का हाइट ऊपर होना चाहिए. ऊपर जितना होगा उतना प्रेशर से, क्योंकि हाइट बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, उतना प्रेशर से पानी जो है वो घरों में सप्लाई होगा. और आप लोग उसको सेम लेवल में रख दोगे तो पानी का सप्लाई उतना प्रेशर से नहीं होगा.
क्लियर? एकदम इजी इजी चीज़ है बच्चों, आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी थिंग, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस। सी डाइवर्स नीड स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट। जो सी डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, जो नदी तो नहीं बोलना चाहिए, समुद्र में जो डाइविंग करते हैं ना, है ना, उनके लिए बोल रहा है। आप लोग देखे होंगे डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देखे होंगे, जो सी डाइवर्स होते हैं वो लोग एक स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट पहन के जाते हैं, अपना घर का कपड़ा पहन के ऐसे नहीं जाते, वो लोग अलग टाइप का एक सूट रहता है उनका, तो चिपका चिपका सा, वो लोग वो पहन के डाइविंग करते हैं। तो देखो जैसे कि आप लोग सी में चले गए, आप लोग याद रखना बच्चों, आपको पता भी है, आप लोग जितना गहराई में, जितना डेप्थ बढ़ेगा, आप लोग पढ़े हो, जितना गहराई बढ़ेगा पानी उतना ज़्यादा प्रेशर मारेगा। सपोज एक आदमी यहाँ पर है, एक आदमी यहाँ पर है, तो ये आदमी के ऊपर में पानी का प्रेशर पड़ेगा, इसमें भी ये आदमी के ऊपर भी पानी का प्रेशर पड़ेगा, लेकिन डेप्थ में ज़्यादा कौन है, ये आदमी ज़्यादा डेप्थ में है, तो इसके बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जो कि इस लेवल में है, ठीक है? अब डीप सी में, जब बहुत गहराई का बात मैं कर रही हूँ, डीप सी के अंदर में क्या होता है ना, सपोज वो डाइवर चला गया है तो उसके ऊपर में पानी भयंकर प्रेशर मारता है, वेरी मच हाई एंड मच मोर देन इज ब्लड प्रेशर। उसके ब्लड प्रेशर के कंपैरिजन अगर कंपेयर करोगे तो ब्लड प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर पानी क्या करता है बच्चों, उस आदमी के बॉडी में मारता है। अब वो लोग पहने रहते हैं स्पेशल सूट, है ना, अलग टाइप का सूट पहने रहते हैं। वो सूट क्या करता है, वो जो पानी जितना भयंकर प्रेशर उन लोगों के बॉडी में मारता है ना, वो सूट क्या करता है, उसको मतलब वो आदमी का बॉडी को उस प्रेशर से बचाता है। सोचो वो किस मटेरियल का बना होगा वो कपड़ा, जो कि वो आदमी का बॉडी को उस प्रेशर को झेलने में मदद कर देता है। तो यहाँ पर मैं जो लिखी हूँ उसको ध्यान से देखो, देखो मैं क्या लिखी हूँ। इन डीप सी प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द डाइवर्स बॉडी इज वेरी मच हाई एंड मच मोर देन इज ब्लड प्रेशर। दे नीड स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट मेड फ्रॉम ग्लास, रेनफोर्स प्लास्टिक और कास्ट एल्यूमिनियम टू प्रिवेंट देयर बॉडीज फ्रॉम बींग क्रस्ट बाय द ट्रिमेंडस प्रेशर। मतलब वो लोग जिस टाइप का सूट पहने रहते हैं ना, वो कास्ट एल्यूमिनियम से या फिर वो ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक का मटेरियल से बना रहता है, जिससे वो लोग का बॉडी बच जाता है। अदरवाइज वो लोग समुद्र की जितना गहराई में जाते हैं ना, पानी की प्रेशर से वो लोग का कचुम्बर बन सकता है। अभी बीच में एक तो केस हुआ था बच्चों, आप लोग सुने होंगे, पता होगा आप लोगों को, वो सबमरीन जो अंदर गया था, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा, उसमें पाकिस्तान के भी ना अच्छे मतलब बिलियनर्स थे और भी बहुत जन गए थे, सब मर गए थे, सबमरीन एकदम क्रश हो गया था, पानी का हाई प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर पाया था, है ना, कुछ ऐसा केस हुआ था, आप लोगों को ध्यान होगा। रिलेट कर पाओगे तो कर लो, ठीक है? तो वहाँ पर वही दिया है। देन साइज ऑफ गैस बबल इनसाइड द वाटर। हाँ, अब आप लोग देखोगे, मतलब ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेज है, आप लोग पानी का जो बबल्स का साइज देखते हो, बबल्स का साइज देखते हो ना, गैस बबल का पानी के अंदर, फिर वो बबल्स जो है वो बाहर की तरफ आता है, तो देखना उसका साइज में कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है? अब हम सबको पता है कि प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डेप्थ। जितना गहराई में हम लोग जाएंगे उतना ज़्यादा पानी प्रेशर मारेगा, ठीक है? अब जो एयर बबल होता है, एयर बबल जो होता है, अब ये पानी के अंदर में सपोज एयर बबल है, एयर बबल सपोज बबल बबल है बबल एयर बबल जो है सपोज वो ऊपर ऊपर की तरफ आ रहा है। सो व्हेन एयर बबल राइजेस अपवर्ड, प्रेशर ड्यू टू द वाटर कॉलम डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन डेप्थ। जब वो एयर बबल नीचे नीचे में था तो पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ राइज होता है बबल, फिर डेप्थ कम होता रहता है, वो ऊंचाई में आता है तो पानी का प्रेशर भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कम होता है बोल के। अब आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप लोग जितना प्रेशर मारोगे वॉल्यूम उतना कम होगा, और प्रेशर जैसे कम होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना? तो यहाँ पर जब नीचे में था बबल, तो नीचे में पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर मारा था बबल में, तो उसका वॉल्यूम बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे वो बबल राइज करता है ऊपर की तरफ, प्रेशर कम हो जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसीलिए जो बबल जब वो नीचे से ऊपर की तरफ राइज होता रहता है ना, तो एकदम बड़ा होके फिर ऊपर की तरफ आता है। एयर का जो बबल होता है देखना पानी में, वो जब नीचे से ऊपर की तरफ उठता है तो उसका साइज बढ़ता हुआ वो आता है। इसका रीज़न बच्चों यही है, ठीक है? तो कॉन्सिक्वेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट था, कॉन्सिक्वेंसेज से गिव रीज़न वाला भर भर के क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल्स जो मैं आप लोगों को एक दो ठो बताई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताया गया है, पढ़ाया गया है, उसको ध्यान से पढ़ना, पढ़ने के बाद वीडियो को ऑन करके छोड़ देना, ताकि आप लोगों को मतलब छोड़ देना मतलब कान में आप लोगों के बजना चाहिए मेरा बात में जो समझा रही हूँ,
उसमें आप लोगों का देखना वे भी एक टाइप का रिविज़न है बच्चों। जब आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लोगे, समझ लोगे, तो आप लोग जब नॉर्मली वीडियो भी सुनोगे ना, तो आप लोगों का वो सब चीज़ें रिवाइज हो जाएगा। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना, ओके। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।